रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं हम, शुक्रगुजारी के नगमे सुनाते हैं हम, हर संडे हम सुनते हैं गीतों को बेज़लियल और ज़ेबडियल के ज़रिए। आज एक बार फिर उनके साथ हम खुदावंद के हम्द व सताइश में शरीक होंगे, और इसके साथ ही पास्टर क्रिस्टोफर के साथ हम आज के कलाम में से एक बार फिर देखेंगे कि खुदावंद के रूह की मुदाखलत जो है वो किस तरीके से हमारी जिंदगियों में आती है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ खुशी की खबर। आज हम फिर से एक बार उस जिंदा खुदा की, जिंदा बादशाह की परस्तिश करने वाले हैं। We're going to worship the living God right in your living room, right in the hospital you're watching in, right wherever you're watching. We're going to worship the living God because he deserves all the glory and all the honor. And aaj ek geet gayenge milkar, uska naam hai, geet ke bol aise hain, पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु तू मौजूद है। आज जब इसकी आज हम प्रस्तिश कर रहे हैं, तो आज जैसे हम ये गीत गाएंगे, हमारे साथ मिलके आप इस गीत को गाएं, क्योंकि वो एक ऐसा खुदा है जब उसके लोग उससे बुलाते हैं तो वो आ जाता है, और जब वो आ जाता है तो कोई बीमारी वहाँ नहीं ठहर सकती, कोई डिप्रेशन वहाँ ठहर नहीं सकता, कुछ भी वहाँ ठहर नहीं सकता, बिकॉज हिज प्रेजेंस मेक्स अस होल and his presence is perfection throughout. So aaiye milkar us zinda khuda ki parastish karte hain. Pure dil se koi jab pukare tujhe, mere yesu tu maujood hai. Bahut simple se words hain, aaiye saath milkar gayenge. Pure dil se koi जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु तू मौजूद है, 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 मेरे यीशु तू मौजूद है। हो परस्तिश तेरी जिस जगह जिस घड़ी, मेरे यीशु तू मौजूद है। जहां दो या तीन लोग उसकी परस्तिश करने आते हैं पूरे दिल से, उसका वादा है कि मैं वहां पर मौजूद हूं। ओ परस्तिश तेरी जिस जगह जिस घड़ी, मेरे यीशु तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, कदम पर तू ही रहनुमा। कोई तुझसा नहीं है मेरे नाथरी, हर कदम पर तू ही रहनुमा। ओ तेरी पूजा करूं, तुझे सजदे करूं, तेरा नाम है मेरी कृपा, तेरी पूजा तेरी पूजा करूं, तुझे सजदे करूं, तेरा नाम है मेरी शिफा। बड़ी प्यारी बात है इस गीत में, और बहुत सच्ची बात है ये। गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कहीं, गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कहीं, मेरे यीशु मौजूद है, तू मौजूद है,
खुशी खबर के इस नए एपिसोड में आपको खुश आमदेद। आपके नहाय शुक्रगुजार हैं पिछले प्रोग्राम्स को देखने के लिए, इस प्रोग्राम को देखने के लिए और आपकी फीडबैक्स के लिए, ईमेल्स के लिए, कॉल्स के लिए, क्योंकि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, शौक से देखते हैं, एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू। आज हम अपने मैसेज को कंटिन्यू करेंगे, उसका आखिरी पार्ट जो हमने कहा था, तीन इंटरवेंशंस इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। नंबर वन, पहली मुदाखलत जो खुदा बाप, गॉड द फादर इंटरवीन्स इन आर लाइफ। नंबर टू, दूसरी मुदाखलत यीशु मसीह जो हमारी ज़िंदगी में इंटरवीन करता है, द सेकेंड इंटरवेंशन इज द इंटरवेंशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नंबर थ्री एंड द लास्ट वन इज द इंटरवेंशन ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइफ, रूह कुदस की मुदाखलत हमारी ज़िंदगी में। अब आप कहेंगे कि क्यों तीन ही मुदाखलत है हमारी ज़िंदगी में, वाई दे आर थ्री, वाई दे आर नॉट फोर, फाइव, सिक्स, एट, नाइन, टेन? बिकॉज गॉड इज अ ट्राइन गॉड, गॉड द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, एंड दिस ट्राइन गॉड has created man in his own image. Man is also triune being. Insan jada oh bhi tinne. Khuda ve khuda baap, khuda beta, khuda rul kudus. Insan bhi tinne. Body, soul and spirit. You say it's a one man. Yeah, but there are three inside. You have a body and you have a soul and you have a spirit. ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੋ, ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਅਤੇ ਰੂਹ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਡਾਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਗੋਡ। ਸੋ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਇੰਟਰਵੀਨਸ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਆਈ ਐਮ द लाइफ एंड रिजरेक्शन। सो लेट अस सी द इंटरवेंशन। तीसरी मुदाखलत असी देखने साड़ी जिंदगी दे विच, ओ रूल को दस्ती ओले असी वाला पढ़ांगे बाइबल दे विचों, फिर मैं वही गल कराऊंगा। अगर तुहाडे कोल बाइबल नहीं है तो फिर गूगल करो, बाइबल आ जाएगी। एक्स चैप्टर 10 वर्स 1, अमाल दी किताब उहदा 10वां बाब पहली आयत। अगर बाइबल की तुहानू जरूरत है तो मुन लिखो, मैं तुहानू बाइबल भेज दांगा। ऐसे लिखा, कर्नीलियस नाम एक शख्स था, वो स्पल्टन का सूबेदार था जो तैले यानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कर्नीलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमाउन को जो पत्रस कहलाता है बुलवा ले। वो शमाउन दबा के हाँ मेहमान है जिसका घर समुंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने दो नौकरों को उनमें से जिसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान कर उन्हें याफा में भेजा। This is a story where Peter is in a house and he's praying and God says to him in a vision, go to a house of Cornelius. Now Cornelius jada ve o Yehudi ni, Cornelius is not a Jewish guy, so he's like me and you. So Cornelius, and it is difficult for Peter to go into a non-Jewish home. ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਅ
strange condition. But God destroys every barrier of racism and color and religion. ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਲਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਨਸਲ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕਰਨਲੀਅਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੇ। ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫਾੜੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ ਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਦ ਪੀਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਹੂ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਮਨੀ ਫੋਰ ਟੈਕਸ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੈਨ ਪੀਟਰ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਰਨੀਲੀਅਸ। ਕਰਨੀਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਖੁਦਾ ਸੇ ਡਰਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਖੁਦਾ ਸੇ ਡਰਤੇ ਹੈ? ਡੂ ਯੂ ਫੀਅਰ ਗੋਡ? Cornelius is a man who is not a Jewish person, but God wants to bless him. Khuda unu barkat dena chahunda hai. It doesn't matter which religion you are. It doesn't matter which color you are. It doesn't matter from which country you belong to. God still wants to bless you today. Aaj Khuda tuhanu barkat dena chahunda hai. At the end of this segment, I'm going to pray that you will receive the blessing of God. As program de aakhir ch main dua karanga ki tuhanu khuda di barkat mil jaye. Khuda tuhanu barkat dena chahunda hai. Oh nahi dekhda ki tuhanda ki religion hai. Oh dekhda hai ki tusi insaan ho. Kyunki bible mein likha hai khuda ne insaan ko apni shabhi par banaya. Wahan par ye nahi likha ये खुदा ने क्रिश्चियंस को अपनी छवि पर बनाया। खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया। खुदा इंसान से प्यार करता है। इंसानों को बचाने के लिए वो सलीब पर मसलूब हुआ था, क्रिश्चियंस को बचाने के लिए वो सलीब पर मसलूब नहीं हुआ था। इंसानों को बचाने के लिए वो क्रिसमस के दिन जमीन पर आया, पैदा हुआ। इसलिए असी कहने हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि यीशु मसीह पैदा होया सी। ते ओ क्रिसमस ऐसली सी क्यों इंसानों लिए आए, क्रिश्चियनों लिए नहीं आए, यहूदियों लिए नहीं आया, वो पूरी दुनिया लिए आया वे, क्योंकि उन्हें इंसान नु बनाया, वो इंसानों लिए आया वे। असी यही सोच रहे हैं कि बाइबल जड़ी है ये क्रिश्चियनों लिए है। That's what we think, that the Bible is only for Christians. But God is not God of Christians. God is the creator of men. He loves men. He hates religions. Because God has no religion. Khuda da te koi dharm hai hi nahi. Ede dharm assi bana le. Rab da ki dharm hai, Rab te sanu banan wala hai. Rab dharm nahi bananda. Oh insana nu pyar karda hai. So what happens? This non-Jewish guy, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਡਰਨੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਡਰਨੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਆਏ, ਤੇਰੀ ਖਰਾਤ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਤਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਤਨੀ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਆਏ, ਤੇਰੀ ਖਿਰਾਇਤ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਗੋਡ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਪਰਸਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਯੋਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਯੋਰ ਆਫਰਿੰਗਸ, ਯੋਰ ਮਨੀ ਵਿਚ ਯੂ ਗੇਵ ਟੂ ਮੀ, ਐਂਡ ਨਾਓ I want to bless you. So to receive the blessing was not a material blessing, because this was a rich man. He was a centurion in the Roman army. He was a rich man. He didn't need money. But God says, I want to bless you.
Who can stop God? Today God wants to bless you. आज खुदा तुहानू बरकत देना चाहता, आशीष देना चाहता, तुहाडे घर दे विच आशीष देना चाहता। खुदा नू कौन रोके? रब नू कौन रोक सकता? So he sent Peter. पतरस उत्थे गया, पतरस ने जाके उत्थे कलाम सुनाया, खुदा दा रब दा कलाम जिहड़ा बचन उन्हें सुनाया। की हो गया? कर्नीलियस जदों उन्हूं मिलिया, कर्नीलियस उहदे पैर फड़ ले कि तुसी जी रब दे उतार। उन्हें कहा मैं ते तेरे वंगर बंदा वा, मुनू ना मेरे पैर ना फड़, मेरे अगे ना घुटने टेक। बंदियां दे अगे घुटने टेकन तो कोई फायदा नहीं होना, दरबारां दरगाहां दे उत्ते घुटने टेकन तो कोई फायदा नहीं। सच्चे रब दे अगे घुटने टेको, वो तुहाडी सुणदा। Bow down to God. Don't waste your time to bow down to men. Men are like us, people. We have limited access to things. But when we bow down to God, we have access to unlimited things, unlimited blessings, which God gives. So what happened? Peter comes in, Cornelius home, Cornelius met him, they went inside. Peter started preaching about Jesus and told him how God told him to come in. Now what happens? Peter was just preaching and what happens? Likha hai Rooh Qudus un sab par nazil hua jo kalam sun rahe the. The Holy Spirit came upon everyone who was listening to the word of God. Let me go to the actual verse in English so you can understand it better. In the English version, the King James version, book of Acts chapter 10, it says in the book of Acts chapter 10 and the verse is verse 44. Odi 44 ayat amal di kitab da 10th bab odi 44 ayat de vich likhya da hai jadon Patras andar gaya te ki ho gaya. When Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all of them which heard the word. Rule ko das ona sab te aa gaya. The intervention of the Holy Spirit. Peter was just preaching, but the Holy Spirit invaded the house. Rul Qudus ghar de vich aa gaya, Rul Qudus ne sab cheezan nu apne control de vich le liya. Hun Peter da bolna band. Patras tu chup kar ja. Hun Rul Qudus jehda ve oh bolega lokan de naal, kyunki Bible de likhya ve sade lafz jehde ne lokan nu maar chhad de ne, lekin jehda Rul Qudus se khuda da Ruh hai, Holy Spirit convinces people, oh lokan nu qail kar da ve. अगर पतरस बोलता, क्योंकि इन्हों होली स्पिरिट मिल गया, रूल कुदस मिल गया, ये गैर जुबाना बोलन लग गए, आसमानी जुबाना जी प्रभु की जुबान है, परमे दे स्टार्ट स्पीकिंग इन द होली स्पिरिट इन टंग्स। बट इफ दे हैव रिसीव्ड दिस टंग्स द अननोन टंग्स बाय पीटर देन पीटर्स नेम विल बी ग्लोरीफाइड। फिर पतरस की वाह वाह हो जाने से, वो पतरस आया सी, पतरस आया सी, उन्हें दुआ की होली स्पिरिट सानू मिल गया। पतरस ने दुआ की नहीं इस तो पहलों के पतरस कुछ कहता या उन्होंने बपतिस्मा देता, होली स्पिरिट पहलों ही आ गया, रूल कुदस ने कंट्रोल ले लिया। रूल कुदस अगर पतरस ये काम करता तो पतरस के ऊपर इल्जाम लग जाता कि पतरस गैर कौमों को रूल कुदस देता है, उस पर इल्जाम लग जाता, ही इज गोना बी अक्यूज एंड अब्यूज, व्हाई यू हैव गॉन टू द नॉन ज्यूइश पीपल एंड गेव देम होली स्पिरिट। ना पतरस ने उन पर हाथ रखा, अगर पतरस हाथ रखता तो पतरस के नाम को जलाल मिलता कि पतरस ने हाथ रखा तो हमने रूल को जिस पाया है। पतरस जेल में जा सकता था, यहूदी लोग उसे हैकल से निकाल देते कि तू गैर कौमों के पास गया, ये रूल को दोस्तों सिर्फ हमारा था, होली स्पिरिट वॉज ओनली बिलोंगिंग टू अस, वाई गिव टू द नॉन ज्यूइश पीपल, गैर यहूदियों को क्यों दिया तूने? व्हाट हैपेंड? उसके लिए मुश्किल हो जाती, ही वाज इज गोना बी इन द प्रॉब्लम। लेकिन होली स्पिरिट ने खुद इंटरवीन किया। अब होली स्पिरिट पर कौन इल्जाम लगाए? रूल को दोस्तों कौन गोलियां मारे? रूल को दोस्तों कौन ब्लास्ट करे? रूल कुदस नु कौन कतल करे? ये इस बात का सबूत है कि दिस इज द
proof that the Holy Spirit comes and intervenes in our life, that we will not be glorified, but God's name will be glorified. Holy Spirit comes and heals your problems. Before you could speak, the Holy Spirit will say to you what you are going to speak. I have many, many, many experiences where Holy Spirit stops you to go in a house, to go into a danger. Holy Spirit stops you in a certain place that you will not go beyond this and take your car into an accident. The Holy Spirit tells you about other people. The Holy Spirit reveals. रूह कुदस ने जाहिर किया कि पतरस की कोई अहमियत नहीं है, याकूब और यूहन्ना की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ पाक कलाम की अहमियत है. खुद पतरस कलाम सुना रहा था, एंड द होली स्पिरिट केम डाउन. एंड हु इज द वर्ड ऑफ गॉड? जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड. पीटर वॉज टॉकिंग अबाउट जीसस, एंड व्हेन जीसस वॉज प्रीच्ड, व्हेन जीसस इज ग्लोरीफाइड, द होली स्पिरिट कम्स एंड टेक्स कंट्रोल. बेटे ने, हमने देखा पिछले एपिसोड में, बाप ने पतरस को स्टॉप कर दिया. In three conditions, Peter was the person stopped. Number one, in the first incident, he was stopped by God the Father when he said, I'm going to build three tents here, one for Moses, one for Elijah, and one for you, Jesus. A voice came from heaven, stopped him. Tu bas kar de bhai, tera koi kaam nahi, tu Patras hai, tu Khuda nahi. Eh mera pyara beta, tu hadi sun. Dusri dafa, Patras ne fir dasna chahe, Yesu ji, मैं टैक्स से पैसे दवा के ना दवा, इस तो पहले कि यीशु जी ने उन्हें कुछ किया, यीशु ने कहा तू चुप कर जा भाई, तेरा कोई काम नहीं, मेरी गल सुन. तीसरी दफा हुण पतरस कलाम सुना रहा सी, होली स्पिरिट आ गया, रूल को दस, तू बस कर जा पतरस, तेरा कोई काम नहीं. ए खुदा दी मर्जी, दिस इज द विल ऑफ गॉड दैट होली स्पिरिट शुड इंटरवीन इन आवर लाइफ. Holy Spirit opened doors which no one can shut. Holy Spirit intervened into this place. Why? Why the Holy Spirit came there? To make the Gentiles and the Jews a one nation. Rul kudus kyo athe aya ke jede log yudhi ne ohna nu vi yudhiyan de vich mila di te sari ek hi qaum ban jaye. ना इसलिए बाइबल कहती है, नाउ द बाइबल सेज देयर इज नो ग्रीक एंड देयर इज नो जूश. ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, अब सब एक ही हो गए. ना कोई मर्द है, ना कोई औरत है, बाइबल में लिखा है सब एक हो गए हैं. ना कोई काला है, ना कोई गोरा है. आइए दुआ करें कि आज रूल कुदस आपके घरों में आ जाए. पाक रूल कुदस, तू जो खुदा में से साजिर होता है, खुदा में से निकलता है, इस वक्त इन लोगों के घरों में आ जा. इनके घरों के अंदर मुश्किलें दूर हो जाए, जो काम ये नहीं कर सकते, पाक रूह तू कर. आज हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरी इंटरवेंशन चाहते हैं, तेरी मुदाखलत चाहते हैं जिंदगियों में, हालात में, माली कंडीशंस में, ओ खुदा उन रुकावटों में. पाक रूह तू जुम्बश कर इनकी जिंदगियों में, मौजजात कर यीशु के नाम से, आमीन. एक बार फिर तुहाडा बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने का. वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस वॉचिंग दिस एपिसोड, एंड वी लाइक यू टू कम टू आर चर्च टू जॉइन आवर 5 PM सर्विस इन स्टर्लिंग वर्जीनिया. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. आपने देखा कि खुदा के रूह की मुदाखलत हमारी जिंदगियों में कितनी ज़रूरी है, और जब हम उसे इजाज़त देते हैं कि हमारी जिंदगियों में वो अपनी मुदाखलत करे, हमें बताए, हमें सिखाए कि हम किस तरीके से इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और आने वाली बातों की वही खबर देता है. हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रोग्राम को देखा है. एक बार फिर खुदावंद आप सबको बरकत दे.
मेहरबान है, वो ही हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। मुश्किल मुका देगा सदा।